क्या इस बार आवाज जा रही है आप लोगों को? क्या इस बार आप लोगों को आवाज जा रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। क्या इस बार आप लोगों को आवाज जा रही है? यस और नो फटाफट कमेंट करके बताइए। मुझे तो पता नहीं लग रहा है आप लोगों को आवाज जाती है या नहीं, लेकिन मैं आपकी मैसेज पढ़ रहा हूँ, बताइए यस और नो। क्या इस बार आप लोगों की आवाज जा रही है आप लोगों के पास? बिल्कुल गौतम गलवा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, फटाफट आप लोग जवाब देना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, इनमें से कौन विनिमय का माध्यम कहलाता है? इनमें से कौन विनिमय का माध्यम कहलाता है? इनमें से कौन विनिमय का माध्यम कहलाता है? जवाब करें फटाफट, जवाब दे फटाफट। शक्ति कुमार, रवीश यादव, गौतम गलवा, रवीश, रितिकांत, गौतम, नीरज, निम्नलिखित में से कौन विनिमय का माध्यम कहलाता है? दोस्तों ए नंबर यहां पे सही जवाब है आप लोगों का, काफी अच्छा, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब होगा। आपको बता दें धन यानी कि मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। ओके, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। और विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को खरीदना। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को खरीदना। और वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय का सबसे प्रचलित माध्यम है, यानी कि धन। ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब है, मनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके ओके ठीक है, इस बार आप लोगों को आवाज़ जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? किस प्रकार की आवश्यकताओं में दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? बिल्कुल दोस्तों यहां पे सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन, दोहरा संयोग। सूरज, दोहरा संयोग ये जो है ना आपका दोहरा संयोग, इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे से वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, काफी पूछा जाता है ये प्रश्न। इनमें से कौन सा भारत सरकार का अंग है? इनमें से भारत सरकार का अंग कौन है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑर्गेन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट? विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑर्गेन्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा या से भारत सरकार का अंग है? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार का अंग विधायिका न्यायपालिका दोनों है। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा, एक तथा दो, भारत सरकार के एक तथा दो दोनों अंग है, यानी कि विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है। और मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो आप जरा ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों भारत सरकार के तीन अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लिख लीजिए कि ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में काफ़ी पूछा जाता है। भारत सरकार का तीन अंग होता है, जिनमें कि विधायिका, एक होता है आपका कार्यपालिका, क्या होता है? कार्यपालिका। नंबर वन आप भारत सरकार का तीन अंग होते हैं, जिनमें कि एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का काम है दोस्तों कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानून की रक्षा करना।
ओके, अगर आपसे पूछे कानून की रक्षा भारत के कौन सा अंग करता है, तो ध्यान रखना है न्यायपालिका। अगर आपसे पूछे कानून कौन बनाता है, यानी कि भारत सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, विधायिका। ओके, अगर आपसे पूछे कानून को लागू कौन करता है, तब आपका जवाब रहेगा कार्यपालिका। यानी कि आपको ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, तो तीन होते हैं। ऑप्शन में आपका तीन नहीं है, इसलिए विधायिका न्यायपालिका ऑप्शन सही हो गया, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जिनमें कि विधायिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, तथा न्यायपालिका का काम है कानून की रक्षा करना। ऑप्शन सी दोस्तों यहां पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पॉलिटिकल साइंस से, भारतीय संविधान के तहत भाग चार के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। भारतीय संविधान के तहत भाग चार के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। बहुत अच्छा, शानदार, काफी अच्छा। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा, काफी अच्छा, शानदार जवाब। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी दोस्तों यहां पे सही जवाब है, 11। भारतीय संविधान के तहत भाग चार के ए में 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग चार के ए में और संविधान के अनुच्छेद 51 के आर्टिकल ए में 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ऑप्शन सी इसलिए सही जवाब है 11। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, जवाब दे जल्दी जल्दी आप लोग। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। चलिए टाइम नहीं है, 10 से 15 सेकंड आपको जवाब दिए जाएंगे, 10 से 15 सेकंड में आपको जवाब मिल जाएंगे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, और इतना ही समय में आप आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन, कनिष्क। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, ऑप्शन बी दोस्तों यहां पे सही जवाब है। और आपको बता दें कि कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कनिष्क ने अपने राजरोहण के अवसर पर 78 ईस्वी में शक संबंध को चलाया था। शक संबंध का नाम आपने सुना होगा, ये पूछा जाता है कि शक संबंध की शुरुआत कब हुई, तो आपको ध्यान में रखना है 78 ईस्वी में शक संबंध की शुरुआत हुई। किसने किया था, कनिष्क। कनिष्क कौन थे, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा, और कनिष्क ने अपने राजरोहण के अवसर पर शक संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है। 90 degrees साउथ लेटिट्यूड मार्क्स व्हाट। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है। बिल्कुल दोस्तों ये दक्षिणी है ना, दक्षिणी अक्षांश, 90 degrees दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब है, 90 degrees दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है, ऑप्शन ए। ध्यान में रखिएगा 90 degrees दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है, और 90 degrees उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाती है, और 0 degrees अक्षांश ये विषुवत वृत्त को दर्शाती है, और 0 degrees देशांतर रेखा ये मुख्य यम्योत्तर को दर्शाती है। और ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा, 90 degrees दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाती है, ऑप्शन ए दोस्तों। चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता हुआ, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन,
गौतम, ऋतिकांत, शक्ति कुमार, प्रमोद सोनी, राधे, चलिए पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी जलमंडल। पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को जलमंडल कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर। वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जवाब दें इस प्रश्न का क्या होगा। मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, जिनमें कि आपको ध्यान में रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है। फीमर की हड्डी सबसे लंबी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप की होती है, जो कि कान में होता है। ओके 206। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और प्रतिदिन आपको 9 बजे यहाँ पे चले आना है। ओके रात्रि के 9 बजे यहाँ पे क्विज स्टार्ट की जाती है रेलवे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया 206 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन है? मानव शरीर में इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा लीवर, ऑप्शन ए यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत है। और अगर पूछे मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तब आप आंसर करेंगे पिट्यूटरी। ओके सबसे छोटी पिट्यूटरी और सबसे बड़ी ग्रंथि मानव में यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन ए दोस्तों यहां पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बल किसी वस्तु के किस में परिवर्तन ला सकता है, यानी कि बल किसी वस्तु के क्या क्या में परिवर्तन ला सकता है? सुशील यादव, सुमन राज, शक्ति, राज भाई, बिल्कुल राज भाई सही जवाब है। इस प्रश्न का क्या जवाब है, बल किसी वस्तु के किस में परिवर्तन ला सकते हैं? दोस्तों बल किसी वस्तु के चाल में, दिशा में, आकृति में बदलाव ला सकते हैं, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी दोस्तों सही जवाब है। बल किसी वस्तु के चाल, दिशा, आकृति में बदलाव ला सकते हैं, स्पीड, डायरेक्शन, शेप, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प सही है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, ऑप्शन डी दोस्तों सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अच्छे सुचालकों में ढीले बंधे किससे होते हैं? अच्छे सुचालकों में ढीले बंधे होते हैं किससे बंधे होते हैं? दोस्तों यहां पे सही जवाब क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। एक अच्छे सुचालक में इलेक्ट्रॉन का बंधन ढीला होता है। ओके इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इस प्रश्न का जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का असंक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ URL। आप फोन में यूज करते हैं URL, देखते होंगे अगर आप गूगल में, वहां पे बहुत जगह पे आपको मिलता है URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
URL, what is the full form of URL? दोस्तों इसका सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी दोस्तों यहां पे सही जवाब है। जल्दी जल्दी और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 9 बजे आपको आना है प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन इनमें से क्या होते हैं इनके पास, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन के पास क्या होते हैं? दोस्तों क्लोरीन परमाणु एवं क्लोरीन आयन में प्रोटीन की संख्या समान, ओके प्रोटीन की संख्या समान होते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटोनों की संख्या समान होते हैं। ऑप्शन ए, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में प्रोटोनों की समान संख्या रखते हैं। ऑप्शन ए, प्रोटोनों की समान संख्या होते हैं क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन के बीच। ऑप्शन ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण इनमें से किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है? गोलू, नयन। वायु प्रदूषण इनमें से किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है? दोस्तों आप लोग जवाब नहीं कर रहे हैं, कृपया फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके आंसर भरे होना चाहिए आप लोगों का, बहुत कम लोग आप जवाब दे रहे हैं। वायु प्रदूषण इनमें से कौन किन पर हानिकारक प्रभाव डालता है, सजीव निर्जीव या फिर सजीव तथा निर्जीव दोनों पर? वायु प्रदूषण इनमें से किस पर हानि करता है? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, वायु प्रदूषण सजीव निर्जीव दोनों पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सजीव तथा निर्जीव दोनों पर। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? व्हाट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। ऑप्शन डी दोस्तों सही जवाब है, फटाफट जल्दी जल्दी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, जवाब दें इसका। विपुल, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों, टीम बनर्सली, ओके टीम बनर्सली वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है। ऑप्शन ए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी जल्दी अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है और ये किसका त्यौहार है, यानी कि मेला है? सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि किसका मेला है? सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय किसका मेला है? दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, शिल्प यानी कि क्राफ्ट का। सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही जवाब है दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल नामक पुस्तक लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड अनब्रेकेबल? दोस्तों सही जवाब है मैरी कॉम। मैरी कॉम ने लिखा है अनब्रेकेबल। ओके, काफ़ी फेमस बुक है अनब्रेकेबल, ये आपका मैरी कॉम ने लिखा है। ऑप्शन ए यहाँ पे दोस्तों सही जवाब है। और वीडियो को लाइक करके जाना है, और जो लोग अभी अभी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस कर देना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 1974 में भारत फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनों लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहचानने के लिए कितने गैर अरब राष्ट्र बना था? आपके स्क्रीन पर प्रश्न का क्या जवाब होगा? 1974 में भारत फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहचानने के लिए कौन सा गैर अरब राष्ट्र बना? ऑप्शन दोस्तों यहां पे सही जवाब है ए नंबर ऑप्शन पहला। 1974 में भारतीय फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पहचानने के लिए पहला गैर अरब राष्ट्र बना। ओके, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न इस टेस्ट का, आखिरी प्रश्न, जवाब दे दे फटाफट दीजिए इसका। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? टेस्ट का आखिरी प्रश्न इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? शक्ति, प्रीति, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब है। ओके, मालदीव। मालदीव काफी अच्छा जवाब। आपको बता दें कि भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं अफगानिस्तान से लगता है, और मालदीव और श्रीलंका से समुद्री सीमा लगता है। दोस्तों समुद्री सीमा, मालदीव और श्रीलंका से समुद्री सीमा लगता है, और भूमि सीमा आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं अफगानिस्तान से लगता है, लेकिन मालदीव से आपका समुद्री सीमा लगता है और श्रीलंका से। ओके, ऑप्शन ए दोस्तों सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर देना है, और चैनल पे जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये भी आप लोग बताएं क्या आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं, कि आप लोगों को मज़ा आया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं कल 9 बजे। इस प्रश्न का सही जवाब था ए नंबर ऑप्शन मालदीव। कल फिर रात को 9 बजे मिलते हैं। ओके, बिल्कुल प्रमोद सोनी, नयन कुमार सही जवाब है आप लोगों का। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप मन से पढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। गुड नाइट नयन, गुड नाइट सभी के लिए, गुड नाइट। आप लोगों की रात्रि बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों लाइव को ख़त्म करते हैं यहीं पे, तब तक आप देखते रहिए डेली स्टडी चैनल पर, और भी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे रेलवे से संबंधित, वहाँ पे आप वीडियोज देख सकते हैं रेलवे से संबंधित। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट सभी के लिए।